लो करें मिल कर सभी हम प्रार्थना, लो करें मिल कर सभी हम प्रार्थना। इस जगत में हर तरफ आनंद वरते, इस जगत में हर तरफ आनंद वरते। दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, दूसरे होवे सुखी सहले भले हम। ना बंधे खुद ना रखें औरों को शरते, ना बंधे खुद ना रखें औरों को शरते। हो भला हो भला हो भला हो भला सबका। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितराग परमात्मा, आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव, आगमवाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिन शासन जिन वाणी के आधार से चल रहा है, अरहतों की वाणी जिन वाणी कहलाती है, और जिन वाणी के आधार से ही अनेकों अनेक भव्य आत्माओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जब बोध सम्यक होता है तभी इस जीवन को जानने और समझने के अनेकानेक दृष्टिकोणों को एक साधक एक व्यक्ति स्वीकार कर पाता है। तब उसकी अवस्था अंदर में ऐसी हो जाती है कि वह किसी को भी नकारता नहीं, किसी को भी नहीं नकारता, किसी को भी हीन नहीं बनाता, किसी को भी तुच्छ नहीं समझता। और तब उसे यह समझ आ चुका है कि सारे ही लोग अपनी अपनी तरीके के हैं, सारे ही रास्ते अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं, सारी ही बातें जिस लोक में प्रचलित है उस व्यक्ति के स्तर के अनुरूप है, क्योंकि सबका स्तर अलग अलग है। और तब जब ये नकार का भाव समाप्त हो जाता है तब जीवन को देखने का ये जो नया नजरिया है, इस नए नजरिए में सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है, शुभमय प्रतीत होता है, जिसके भीतर ऐसा नजरिया विकसित हुआ उन्होंने ही जिनागमों के रहस्यों को आत्मसात किया और उनकी वाणी से ही सूत्रों के रहस्य प्रकट भी हो पाए। इसीलिए प्राचीन काल से एक बात कही जाती रही कि किसी भी आगम को, सूत्र को, ग्रंथ को, शास्त्र को, वेद को, उपनिषद को अगर आपको समझना है तो आप उसके अनुभव ज्ञानी के पास जाओ। अनुभव ज्ञानी की वाणी में ही वे शास्त्र अपने अर्थ प्रकट कर पाएंगे, वे सूत्र अपने राज खोल पाएंगे। उस अनुभव ज्ञानी के बिना उन सूत्रों में क्या रहस्य है वह समझ आना मुश्किल है। तभी तो किताबें, शास्त्र, ग्रंथ, टीका इतना कुछ होने के बावजूद भी सदा से यह बात कही गई कि ज्ञान मिलेगा
तो गुरु की उपासना से मिलेगा, परी उपासना से मिलेगा। बातें बहुतों से मिल जाएगी, लेकिन हमारे लिए, हमें जगाने के लिए जो ज्ञान मिलेगा वो किसी न किसी अनुभव ज्ञानी के समीप रहने से मिलेगा। अनुभव ज्ञानी की महत्ता हर युग में गाई गई, बतलाई गई। ऐसे अनुभव ज्ञानियों ने ही सबको अनुभव प्रकट हो सके, इसके लिए मार्ग की प्ररूपणा की, और वह मार्ग अष्ट प्रवचन माता का मार्ग है। अष्ट प्रवचन माता यानी जिससे प्रवचन की गहराइयों में हम भी प्रवेश कर सके, वो आठ प्रकार है। पांच समिति, तीन गुप्ते। पांच समिति में से ऐषणा समिति की बात हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। ऐषणा खोजना, खोजते हम सभी है अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। हमें हर पल कुछ न कुछ तो चाहिए ही होता है, सहयोग तो चाहिए ही होता है, और हम सब लोग सहयोग खोजते हैं। यह ऐषणा समिति में बताया कि खोजना जो है, ऐषणा जो है, वो तीन प्रकार की है। पहली है गवेषण ऐषणा, दूसरी है ग्रहण ऐषणा, और तीसरी है परिभोग ऐषणा। गवेषण ऐषणा का मतलब होता है कि जिन चीजों को आपको ग्रहण करना है, ग्रहण करने से पूर्व उसकी शुद्धि अशुद्धि की जांच कर लेना। जैसे घर से निकले, कहीं भी आपको बाहर जाना है, चाहे ऑफिस जाना है, चाहे एक लंबे रूट पर जाना है, आप सबसे पहले गैराज से अपनी गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी निकालोगे, गाड़ी में बैठकर जाने वाले हो, लेकिन क्या करते हो, गाड़ी निकालते ही बैठ के रवाना हो जाते हो, या पहले जरा जांच पड़ताल कर लेते हो कि इस गाड़ी में उतना पेट्रोल है जितना कि मुझे अपने गंतव्य तक जाने में ज़रूरत होगी, और अगर नहीं है तो कौन सा रूट मुझे लेना है कि मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। गाड़ी का सारा अंदर का सिस्टम ठीक ठाक है कि नहीं है, पहले गवेषणा करना। बहुत लोग करते, शायद आप लोग करते होंगे ना, हाँ बिल्कुल करके चलते हो, क्योंकि जहाँ जाना है, जिसके माध्यम से जाना है, तो पहले जिसको आप ग्रहण कर रहे हो उसके पहले उसकी सारी जांच पड़ताल कर लेना, गवेषण ऐषणा। जब नए घर में शिफ्टिंग करनी होती है तो पहले उस नए घर की जांच पड़ताल करते हो, घर के पड़ोसियों की जांच पड़ताल करते हो, इस घर की हिस्ट्री क्या रही है उसकी जांच पड़ताल करते हो, ये घर हमें सूट करेगा नहीं करेगा, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारी जो जांच पड़ताल करनी है वो कहलाती है गवेषण ऐषणा। जब किसी से संबंध जोड़ने लगते हो, चाहे खुद का या खुद के बच्चों का, तो पहले सारी खोजबीन करते करते या नहीं करते, सारी खोजबीन करते हो कि बहू लानी है या बेटी देनी है, तो वो परिवार कैसा है, उस परिवार की हिस्ट्री क्या है, उस परिवार के लोगों का स्वभाव, प्रकृति, खान पान, बोली, संस्कार, उनके लोगों की सोच, उनका एजुकेशन, और उनके लोगों के सपने किस तरह के हैं, वो कितने एम्बिशियस है, कितने कम एम्बिशियस है, वो हमारी बेटी वहाँ देने लायक है या नहीं है, पहले सब जांच पड़ताल होती है। ये काम है गवेषण ऐषणा, यही गवेषणा कहलाती है।
और ये गवेषणा सबको करनी होती है। साधु के लिए भी कहा कि जिस स्थान पे तुम्हें जाना है, जिस स्थान पे तुम्हें बैठना है, पहले उस स्थान की पूरी जांच पड़ताल कर लो। जहां बैठना है उसकी पहले जांच पड़ताल कर लो, यहां पहले कौन बैठ करके गया, क्योंकि जो पहले बैठ करके जा चुका है उसका भी प्रभाव उस स्थान पर रहने वाला है। राम और लक्ष्मण वनवास में थे, सीता भी साथ है, और एक समय ऐसा आ गया कि सीता साथ नहीं रही, केवल राम और लक्ष्मण रहे। दोनों ही सीता को खोज रहे हैं, बियाबान अटवी को चल करके ही पार कर रहे हैं, क्योंकि तब और कोई ऑप्शन नहीं था। और चलते चलते थक गया लक्ष्मण, एक चट्टान पे बैठ गया रास्ते में, और जैसे ही बैठा मन में ख्याल आने लगा, कितनी गलत निर्णय मैंने लिया, क्यों आया था भाई के साथ, क्या जरूरत थी मेरे को आने की। एक तो अपनी पत्नी को छोड़ के आया, वो परेशान उधर, मैं परेशान इधर, एक अपने राजमहलों के सारे सुख छोड़ के आया, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अब सीता चली गई, रावण से युद्ध होने वाला है, और युद्ध में अगर जीत भी मिल गई तो नाम तो राम का ही होने वाला है, मेरा क्या होने वाला। विचार है, हमें ऐसा लगता है कि जो महापुरुष हुए उनके अंदर कोई खराब विचार आता ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। विचार तो मुक्त होने के कुछ क्षण पहले तक कैसे हो सकते हैं, उतार चढ़ाव कैसा उसमें आ सकता है। तो लक्ष्मण के अंदर विचार आ रहा है कि मैंने कहाँ गलत निर्णय ले लिया, क्यों राम के साथ लगा, मिला गया यहाँ पे साथ रह करके, दर दर की ठोकरें, ना खाने को मिलता है, ना सोने को मिलता है, जब देखो तब चारों ओर कुछ भी हो सकता है, अचानक कोई भी विपत्ति आ सकती, इतनी विपत्तियों के बीच में जिंदगी जीना, और देश निकाला या राज्य से निष्कासन तो राम को मिला था, वनवास तो राम के लिए नक्की हुआ था, मेरे लिए थोड़ी नक्की हुआ था, मुझे क्या पड़ी जो उस जलती कढ़ाई के अंदर कूद पड़ा, क्या आवश्यकता थी मुझे यहाँ आने की, और उसको राम के प्रति दुर्भावना। विचार एकदम बदल गए, जैसे ही पीछे से राम चलते हुए वहां तक पहुंचे, लक्ष्मण ने बोलना चालू कर दिया, भैया बस बहुत हो गया, अब नहीं सह जाता, अब मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैंने गलत डिसीजन लिया जो आपके साथ चला। राम गंभीर स्वभाव के थे, जैसे अक्सर बड़े लोग, चार भाई हो तो बड़ा भाई गंभीर अक्सर होता है, और कुछ लोग आवेश में आ सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बड़े लोग थोड़ी उनके प्रभाव में आ जाते हैं, बड़ों को तो सबका सुनना ही होता है और शांति से सबको समझाना ही होता है। तो श्री राम लक्ष्मण की सारी बातें सुन रहे हैं, उसके बाद में कहते हैं, अच्छा भैया एक काम करो, कि क्या, कि जिस चट्टान पे तुम बैठे हो ना, जरा वहाँ से उठ जाओ, चलो आगे चलते, आगे चल के बात करेंगे, एक खुला मैदान आएगा आगे, वहाँ चल के बैठ के बातें करेंगे, यहाँ से हटो। लक्ष्मण हट गया, राम के साथ हो लिया, और आगे चले, और आगे चले, एक दो कोस चले होंगे, लक्ष्मण के सारे विचार पलट गए, राम के चरणों में झुका और झार झार आंसू बह रहे, बोला भैया माफ़ करो, मैंने क्या क्या आपको बक दिया, क्या क्या बोल दिया, मुझे होश ही नहीं रहा, और मुझे समझ नहीं आता कि इतने विचार मेरे में आए कहाँ से, ये सब कुछ क्या हो गया मेरे साथ में। राम बोले, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें तुम्हारा ज़्यादा दोष नहीं, तुम जहाँ बैठे थे ना वो स्थान गलत था। बोले मैं उस चट्टान पर बैठा था, उस स्थान में क्या प्रॉब्लम थी, उस चट्टान पर ही पिछले कई सालों से एक लंबे काल तक एक साधु रहता था, वो वहीं पे बैठ के ध्यान लगाता था, और वो साधु बहुत तपस्वी था लेकिन बहुत क्रोधी था, और इतना क्रोधी साधु था, उसके क्रोध की तरंगे, उसके द्वेष की तरंगे उस स्थान पे घूम रही थी। अब तुम जैसे ही जाके बैठे, उन तरंगों ने अपना प्रभाव दिखाया, तुम्हारे अंदर में दबा हुआ क्रोध, अशांति, अधैर्य, वो सब भी बाहर निकल आया,
इसलिए तुम्हारे अंदर ऐसे विचार आ रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि तुम स्वभाव से ऐसे हो ही नहीं। आप राम की वाणी पे ध्यान देना कि मैं जानता था कि तुम स्वभाव से ऐसे हो ही नहीं। तुम अपने अग्रज का कभी बुरा चाह ही नहीं सकते और तुम अपने अग्रज को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेम कैसा है, तुम्हारा समर्पण कैसा है। लक्ष्मण बहुत पछतावा कर रहा है, लेकिन राम कह रहा है कोई बात नहीं, कुछ भी मत सोचो, तुम्हारी कोई भूल नहीं भैया। अब लक्ष्मण को समझ में आया कि क्या वो स्थान भी प्रभाव डालता है, जहाँ क्रोधी साधु बैठ करके क्रोध में रहा और तपस्या कर रहा हो, डालता है। इसीलिए सूत्रकार कहते हैं कि अगर आहार ग्रहण करना है साधु को तो ये भी ध्यान दे कि जो आहार बहराने वाला है वो किस मूड में है, किन भावों में है। आप देखो घर में कई बार आप खाना खाते हो और कहते हो क्या बात है, बड़े प्यार से खाना बनाया आज तो। अरे आपने खाना रोज ही खाते हो, आज कैसे तुम्हें बड़ा प्यार लग रहा है एकदम से। पर फील होता है ना कि बड़ा प्यार से खाना बनाया गया है। और कभी कभी खाते वक्त ये भी फील हो जाता है कि लगता है आज खाना खाली काम निपटाने के लिए बनाया गया है, मजबूरी में बनाया गया है। किसी को जल्दी घूमने कहीं बाहर जाना था, किसी किटी पार्टी में जाना था, अथवा वो मेकअप वाले को टाइम दी हुई थी इसीलिए जल्दी बाहर निकलना था, तो काम निपटाने के लिए खाना बना करके छोड़ के चली गई। अब खाना खा रहे हो लेकिन खाने में कोई रस नहीं आ रहा, कोई मन नहीं लग रहा। पता लग रहा है कि खाना बनाने वाले का भाव उस खाने के अंदर पहुंच गया है। तो गवेषण ग्रहण करने से पूर्व जांच पड़ताल करना, जिस स्थान को चयन करना उसकी जांच पड़ताल कर लेना, जिस जगह पे ध्यान लगाना उसकी जांच पड़ताल कर लेना कि वो जगह ध्यान लगाने योग्य है भी या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो वहां जाकर के ध्यान लगाने बैठो और जो नकारात्मक विचारों का बवंडर मचना चालू हो जाए, आवेश आने चालू हो जाए। तो स्थान की भी शुद्धि करना, जिस व्यक्ति से कुछ भी ग्रहण करना है ग्रहण करने से पहले उस दाता के भावों को देख लेना कि दाता का भाव कैसा है, क्योंकि उसके भावों में जरा भी परायापन है, जरा भी स्वार्थ भावना है, देने के पहले ही और देने के साथ ही उसके मन में तुमसे बहुत बड़ा लाभ पाने की कामना है। और होता है कई बार साधुओं को बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, कई घरों में गोचरी लेने जाते हैं तो बड़े भाव भक्ति से लोग बहरा रहे होते हैं, उनके मन में भाव होता है इतने तपस्वी साधु को बहराने से हमारा घर में मालोमाल हो जाएगा, आज तो हमारे घर में खूब लक्ष्मी आ जाने वाली है। इसीलिए वो बहराते वक्त भी पूरी भावना पूरे लालच के साथ बहरा रहे होते हैं। अतः कई साधुओं को कहना पड़ता है कि बहन जितना देना हो उतना दो, लेकिन कुछ पाने की लालसा से मत दो। लेकिन लालसा भी कई तरह की होती है, कुछ लोग आशीर्वाद पाने के लिए दे रहे हैं, कुछ अपना बेटा पाने के लिए दे रहे हैं, कुछ अपना सुख पाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन देने के साथ ही उनके मन में बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस है, और वो टर्म्स और कंडीशंस के साथ अगर साधु ने उनका आहार ले लिया है तो साधु उनकी कंडीशंस में कैद हो जाएगा और उसको होना नहीं है। इसीलिए साधु को टर्म्स और कंडीशंस में ना खुद को रखना, ना औरों को रखना, ना बंधे खुद ना रखें औरों को शर्तें, हो भला सबका। शर्तों में बंधना ही नहीं और शर्तों में किसी को रखना भी नहीं। पहले ही गवेषणा कर लेना कि फला व्यक्ति आहार क्यों बहराना चाह रहा है, फला व्यक्ति आमंत्रित क्यों कर रहा है, क्योंकि कई लोग तो आमंत्रित भी अपने अपने निजी स्वार्थों की वजह से कर रहे होते हैं। अगर साधु जी हमारे मंच पे आ गए तो उनके से कनेक्टेड सारी पब्लिक हमारे को मिल जाएगी, उनके सारे वोट हमको मिल जाने वाले हैं। अब साधु सोचे कि उसको उसका हिस्सा बनना है तो जाए ना ना जाए। तो मुक्ति के पथिक साधु को, मुक्ति के पथिक साधक को, कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को हमेशा ही पहले ग्रहण करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी जरूरी है। ऐषणा कर लो, गवेषण ऐषणा है ये, गवेषणा करो, खोजो। कितने लोग आते हैं बोलते महाराज साहब पार्टनरशिप कर दी उसके बाद से बिजनेस डाउन है, सब पछतावा कर रहा हूँ, मैंने ऐसी पार्टनरशिप क्यों की, मुझे बड़ा बाद में पता लगा कि फालतू वो आदमी ऐसा निकलेगा। अब
उस भाई को बोलो कि बाद में पता लगा, थोड़ा पता पहले ही लगा लेते। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। हम लोग ना शांति से बैठ के अपने आप से पूछते हमें क्या करना या क्या होना, अमुक व्यक्ति से पार्टनरशिप करनी या नहीं करनी, ना हम अपने आप से पूछते हैं, ना हम अपने बुजुर्गों अनुभवियों से अपने साथी से सलाह लेते हैं। कई बार हम जब आवेश में आते हैं ना, हम निर्णय कर बैठते, और जब निर्णय कर बैठते उसके बाद जब पछताते हैं तो हमारे अनुभवी सलाहकार लोग कहते हैं, भैया पहले हम कह रहे थे तब आप सुनने को तैयार ही नहीं थे, अब हम क्या कर सकते। और गड़गड़ की कहानी क्यों? क्योंकि आजकल क्या पुराने ज़माने से ये लगभग, पर आजकल तो बहुत ज़्यादा है कि हमें किसी बुजुर्गों के साथ अपनी बातें शेयर करने की इच्छा ही नहीं होती, हम किसी से सलाह लेना ही नहीं चाहते। और जब सलाह लेना नहीं चाहता आदमी, किसी जिस फील्ड में जाना उस फील्ड के अनुभवी से सलाह लेना नहीं चाहता है, तो फिर मुश्किल तो होगी। और फिर जब मुश्किल हो जाती है तो वो सलाहकार लोग अनुभवी लोग कहते हैं, थोड़ा सा पहले पूछ लिया होता। तो वो कहते हैं, नहीं हमें तो पहले ही पता था कि तुमसे पूछने का मतलब है तुम टांग अड़ाओगे, तुम अपनी गलत राय दे दोगे। अरे भैया बहुतों की राय तो सुननी पड़ती है, तभी तो हमें निष्पक्ष देखना भी आएगा, लेकिन हम बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट राय को सुनना ही नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, जनरली बच्चा क्या चाहता है कि जब मैंने जो करना है आप उसके लिए हाँ बोलते हो तो मैं आपसे बात करूँ। पहले आप बता दो आप हाँ करोगे ना, मुझे रोकोगे तो नहीं, अब मुझे बात कर लो। अरे भैया तुम अपनी पहले ही कंडीशन लेकर के बैठे हो। और सब जगह है, बेटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पापा से बात करना चाहता है क्योंकि पापा से पूंजी तो लगवानी पड़ेगी, तो पापा को कहता है, देखो पापा मैं और कुछ बात नहीं सुनूंगा, पहले फिक्स है कि मैं बिजनेस करूंगा, पैसा आप दोगे, अब आपको जो बोलना है बोलो। पिता कहता है, अब क्या बोलना, तुझे जो करना है कर भाई। तो हर एक जगह पर हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो गवेषणा नहीं हो सकती। गवेषणा करने वाले व्यक्ति को सुनना भी सीखना होगा, देखना भी सीखना होगा, और ठहरना भी सीखना होगा। लेकिन ये धैर्य कहाँ? इसीलिए अब देखो, ये महावीर भगवान की बताई हुई, हमारे ज्ञानी परमात्मा की बताई हुई जो समिति का ज्ञान है, अगर ये ज्ञान ही आ जाए ना, हम नहीं समझते जिंदगी में कोई दुर्घटनाएं बचेगी, दुर्घटनाओं के कोई कारण बचेंगे, पॉसिबल ही नहीं। केवल पहले गवेषणा करना सीखो। पांचों समिति हमें संभालती है, और चूंकि पांचों समिति और तीन गुप्ती हमें संभालती है, इसीलिए इसका नाम है प्रवचन माता, अष्ट प्रवचन माता। माता क्या करती है? माता बच्चे को संभालती है, संरक्षण करती है, पोषण करती है, उसको भोजन आदि देकर के पोषण देती है, और जहां वो गलत काम करने वाला होता है वहां से उसको रोकती है, टकोरती भी है। और ये पांच समिति और तीन गुप्ती यही काम करती है, इसीलिए इनका नाम भी अष्ट प्रवचन माता रखा गया। यही माताएं हैं जो हमारे भीतर से ज्ञान को प्रकट करवाएगी, प्रवचन को प्रकट करवाएगी, और पूरे प्रवचन की सार, प्रवचन का ज्ञान को अगर प्रकट करवाने वाली जिंदगी में कोई है तो वो पांच समिति तीन गुप्ती ये प्रवचन माता है। तो जरा सोचे हम, ग्रहण ऐषणा से पहले गवेषण ऐषणा का नंबर आता है। किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले गवेषण करो। पुरानी कहावत थी राजस्थान के अंदर, हम सुना करते थे कि पानी पीने से पहले जात पूछ लो, पानी पीने के बाद क्या जात पूछना। जो पानी पी लिया अब क्या जात पूछना, जो संबंध जोड़ ही लिया अब क्या पूछताछ करनी। जोड़ने से पहले पूछताछ करना है तो कर लो। मार्केट से सब्जी भाजी कुछ भी खरीदनी हो, खरीदने से पहले पूछताछ कर लो, जब खरीद लिया उसके बाद क्या, फिर बात खत्म। तो एक पूछने का दायरा है, एक समय तक हम पूछ सकते हैं। जो ग्रहण करने से पहले पहले पूछ लो। अब जरा सोचो हम क्या क्या ग्रहण करते हैं, हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। क्या क्या ग्रहण करते हैं? व्यक्ति को, अपनी जिंदगी में कितने व्यक्तियों को लगातार ग्रहण करते हैं? वस्तुओं को, व्यापार को, नहीं व्यापार भी ग्रहण करते हैं, व्यापार में सारी चीजें आ गई। और विधाओं को, स्टाइल्स, किस किस स्टाइल को ग्रहण करने वाले करते हैं। जमाना बदलता है, लोग अपनी स्टाइल बदलते हैं, फैशन बदलती है, फिर नई स्टाइल घर में ले आते हैं, हर चीज़ में लाते हैं, हर चीज़ में हम नई नई स्टाइल्स ला रहे हैं, ठीक है ना, स्टाइल बदलते हैं। और साथ ही देखो हम विचार,
ग्रहण करते हैं। हम क्या क्या ग्रहण करते हैं? व्यक्ति, वस्तु, व्यापार, विधाएं, विचार, विनिमय के सारे साधन, विनिमय यानी ट्रांसपोर्टेशन के सारे साधन, हम जो कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं सुबह से लेकर रात तक हम लगातार ग्रहण ही करते हैं। बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत हम लगातार ग्रहण ही कर रहे होते हैं। ग्रहण करने से पहले हमें जांचना जरूरी है, जांचना जरूरी है, जांच पड़ताल जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास विवेक है। जिसके पास विवेक है उसको जांच पड़ताल करनी जरूरी है। जिसके पास विवेक ही नहीं है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। गलत भी ग्रहण कर लिया तो वो विवेक है ही नहीं, जांचेगा कैसे? लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, इसीलिए मनुष्य जिम्मेदार है कि कुछ भी चीज ग्रहण करेगा तो वो ऐसा नहीं कह सकता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तो खुद ब खुद हो गया, मैंने यूं ही ले लिया था, मैंने भरोसा करके ले लिया था, मैंने आंख बंद करके ले लिया था, मैंने आंख बंद करके मान लिया था, उसने कहा मैंने मान लिया, उसने कहा और मैंने मान लिया था। एक गांव में ऐसा हुआ, बारात आई, शादी का फंक्शन, और आपको पता है जब छोटे गांव थे और गांव में अगर एक भी बारात आती तो पूरे गांव वालों को भोजन के लिए न्योता जाता था, और पूरा गांव भोजन के अंदर सम्मिलित हो रहा है। एक आदमी को सुबह से लगातार वो वॉमिट हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है और उसको लगातार दस्त भी हो रही है, पेट बिल्कुल अपसेट है। वो गया वैद्य जी के पास में और बोला, वैद्य जी क्या करूँ, बड़ी हालत ख़राब हो गई और गांव में खाना, मतलब गांव में जीमण हो और एक आदमी बीमार हो जाए तो लोग पहले जीमण का तो वेट करते थे, एक महीने पहले से बातें करनी चालू हो जाती थी कि फला तिथि को फला तारीख को गांव में भोज है, गांव में जीमण है, सबको वहां जाना है, और कितने लोग तैयारी करते। हम छोटे थे तब कहीं हमने घरों में देखा कि शाम को खाने में जाना है तो लोग सुबह का खाना छोड़ देते। हमने कहते क्यों? बोले शाम को खाने में जाना तो है। तो बड़ी वो एक जमाना, अब नहीं है, अब तो बहुत चीजें कॉमन हो गई। तो पहले क्या मिठाई विठाई हर आदमी को हर वक्त तो खाने को मिलती नहीं थी, तो बोले अरे गांव में जीमण है और मेरी तबीयत इतनी खराब है, वैद्य जी जल्दी से कुछ उपचार बताओ। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, उन्होंने जो भी निरीक्षण किया उसके बाद में वैद्य जी के मुंह से निकला, देख गुड़ में जहर है, गुड़ जहर है। वैद्य जी ने तो भले मन से कहा कि गुड़ जहर है, उसने बाहर गया और जाकर के कहना चालू कर दिया। और आपको पता गांव के अंदर तब वो चीनी विनी शक्कर वक्कर नहीं होती थी, मिठाई के नाम पे केवल गुड़ की लापसी बनती थी, शादी भी होती तो गुड़ की लापसी बनती थी। कल आप लोगों ने खाई ना लापसी, दशहरा था तब, तो वो गुड़ की लापसी बनी और उसने आदमी ने बाहर जाकर के कहना चालू कर दिया कि गुड़ में जहर है। अब जीमण है, गाँव भर के लोग खाने में आ रहे, कितनी लापसी बनाई हुई और आज कोई लापसी नहीं खा रहा। जब लापसी नहीं खा रहा तो लोग बोल रहे रोज तो इतनी लापसी खत्म होती है, उस हिसाब से बनाई गई है और कोई लापसी क्यों नहीं खा रहा, और कानाफूसी 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 चल रही है कि गुड़ में जहर है, गुड़ में जहर है, गुड़ में जहर है। सबके सब हैरान हो गए कि लापसी क्यों नहीं खाई जा रही है। उसके बाद में जिसने ये खाना का इंतजाम किया था, जिसकी तरफ से पूरा खाना था, उसने लोगों को बोला भैया आप मिठाई क्यों नहीं खा रहे, आप लापसी तो खाओ। तो लोग बोल रहे कैसे खाएं बाबू जी, खाएं कैसे, इसमें तो जहर है। अरे किसने कह दिया जहर है, लो मैं तुम्हारे सामने खाता। उसने खा के दिखाया, कहा कोई जहर नहीं है, किसने कह दिया जहर है? भैया हमने तो सुना था, किसे सुना था, वो फलाने कहा था, फला से पूछा तुमने ऐसा कैसे कह दिया? बोले मैंने कब कहा, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा है, किसी और ने मुझे कहा था, मैंने तो सामने वाले को वापस इसलिए कहा क्योंकि किसी ने मुझे कहा था। घूमते 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 बात पहुंच गई उस आदमी तक कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया गुड़ में जहर है, मेरी क्या गलती, मुझे तो वैद्य जी ने कहा था। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी आपने ये क्या कर दिया, पूरा हमारा जीमण का नुकसान कर दिया, इतना सारा खाना बनाया वो सब नुकसान कर दिया, इतनी सारी लापसी का नुकसान कर दिया, कैसे कह दिया गुड़ में जहर है? बोले मैंने कब कहा, वैद्य जी बोले मैंने कब कहा, बोले आप ही ने तो कहा था। किसको कहा, किस आदमी को कहा था? ओहो, वैद्य जी बोले इस आदमी को इसलिए कहा था, इसको गुड़ नहीं खाना, इसके लिए गुड़ में जहर था। अब जहर तो था एक व्यक्ति के लिए और घटना बन गई सबके लिए। अब देखो सब होता है कि नहीं होता हमारे यहाँ पे,
हम जांच पड़ताल किए बिना जिसने कहा मान लिया, और भैया जिसने कहा उसकी बॉडी का टेम्परामेंट क्या है, उसको कौन सा इलाज सूट करता है, उसके लिए वैद्य कौन है, डॉक्टर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी बातें जाने बिना फॉलो करना चालू, तो कई चीजें हम ऐसे भी फॉलो करते जा रहे हैं जिसमें हमें किसी चीज की गवेषणा हमने की नहीं। और गवेषणा की होती तो हर दिन हमारी विधाओं का ज्ञान हमें होता कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करना और इनको करना हमारे लिए आवश्यक है भी या नहीं है, उचित है भी या नहीं, इतना कौन सोचता है। जांच पड़ताल किए बिना चल पड़ते, और जब चल पड़ते उसके बाद जब नुकसान होता है तब तो आदमी रुक करके पूछता है, अरे किसने मुझे इसमें धक्का दिया था, किसने ये काम चालू करवा दिया था, मैंने ये किया क्यों था। अरे भैया ये किया क्यों था, आज क्यों पूछ रहे हो, जब करना चालू किया था तभी पूछना चाहिए था ना कि मैं क्यों करने जा रहा हूं। तो गवेषणा बहुत जरूरी है, पहले गवेषणा करो, पहले चिंतन मनन करो कि ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये विधा, ये व्यापार, ये वाणिज्य, ये विनिमय का साधन, ये विचार, इसका उत्पादनकर्ता कौन है, उत्पादनकर्ता कौन है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ये चीजें मेरे ग्रहण करने लायक है भी या नहीं है, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मेरी समझ, मेरी शैली, मेरे आगे भूत भविष्य को देखते हुए, मेरे बच्चों का संस्कार देखते हुए ये चीजें घर में लाऊं कि नहीं लाऊं, पहले देख लेते। एक भाई मिला मेरे को, किराने की दुकान चलाता है, मेहनत करता है सुबह से लेकर रात तक, घर में जो पैसा आता है उसके पूरा घर चलता है, और बड़ी फैमिली है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। बात बात में कह रहा था हमारा साहब, हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक सब काम करते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा ने हमारे लिए इतनी एकड़ जमीन लोनावला के अंदर छोड़ी हुई है। मैंने कहा लोनावला में इतनी एकड़ जमीन और तुम ये काम कर रहे हो, तो बोले महाराज साहब अगर मैं सारी वो जमीन बेच करके बहुत पैसा ले लूं तो मैं ले तो सकता हूं क्योंकि मेरे बाप दादा ने मेरे लिए छोड़ी है, लेकिन फिर मेरे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। मैंने कहा ये कौन सी सोच हुई कि हाँ जब ज्यादा पैसा देखेंगे तो बच्चे फिर पहले से ही मालिक बन करके पैदा होंगे, पहले से ही सेठ ही बन जाएंगे, तो कभी मेहनत करने का मतलब उनकी ज़िंदगी में समझ ही नहीं आएगा, इसीलिए अभी रहने दो, जब बच्चे बड़े हो जाए, पढ़ लिख ले, अपनी ज़िंदगी खड़ी बना ले, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तब उनको साधन दो, पहले ही साधन दे दिया तो कहाँ जाएंगे। सोच है अपनी। तो देखो कई लोग हैं जो पहले सोचते हैं कि ये चीज़ें घर में लाएं, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन कई लोग नहीं सोचते, चीज़ें ले आते हैं फिर उनसे जब बिगाड़ हो जाता है तब सोचते अरे ये काम मैं अभी करने की बजाय कुछ साल बात करता तो ठीक था। तो गवेषणा का मतलब क्या है कि ग्रहण करने से पहले सोचना, पहले खोजना, पहले छानबीन कर लेना उसका उत्पादन क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किन कारणों से किया गया था। आज अब देखो इतनी सारी चीजें जो हमारी दैनंदिनी में इकट्ठी हो चुकी है जिसके बिना हमें लगता है कि जीना मुश्किल हो जाएगा, वो सारी चीजें हमारे घरों में आई क्यों थी। कई लोगों का तो वेस्टेज था जो उनको निकालना था, इसीलिए बाजार में उसको पॉलिश करके हमारे घरों तक पहुंचा दिया गया, और हम सब उसको ग्रहण कर रहे हैं, भोग रहे हैं, चाहे वो हमारे रोज काम में आने वाली शक्कर ही क्यों ना हो। रोज काम में आने वाला जो ये टाटा का नमक है वो भी क्यों ना हो। जरा हिस्ट्री उठा करके पढ़ो तो बड़े हैरान हो जाओगे कि ये नमक क्यों बना, पहले कौन सा नमक खा रहे थे, अब कौन सा नमक खा रहे, और ये सारे नमक का हिस्ट्री क्या है, ये हमारे घर तक कैसे पहुंचा। अब पढ़ो और सुनो तो बड़े हैरान होगे कि हम सारे लोग चली आ रही चीजों को खाली मानते जाते हैं, कभी गवेषणा नहीं करते, और बहुत सारी चीजों की चाहे हम गवेषणा कर पाए या न कर पाए, लेकिन जो चीजें हम अपने लिए घर में खरीद करके ला रहे, जो चीजें हम अपने परिवार के लिए ले रहे हैं, अपने परिवार के लिए जहां रिश्ता जोड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मित्र जहां बना रहे हैं, उनको कहां से और कहां से जगह के मित्र मिलने वाले हैं, पहले गवेषणा करो। क्यों? एक बहुत सज्जन परिवार जिनके घर में सारे लोग धार्मिक संस्कारी, और उनका बेटा बहुत गालियां दे रहा, छोटा बेटा 5-5.5 साल का भयंकर गालियां दे रहा, घर में कोई महात्मा आके ठहरे, उन्होंने वो गालियां सुनी तो बोला आपके परिवार का बच्चा गाली, ऐसा कैसे। तो दादी बोली कि बहू सुनती नहीं, बच्चे को खेलने के लिए जिन घरों में भेजती है, जिन घरों के बच्चों के साथ वो खेलता है, वो उन घरों के बच्चों से वो गालियां सीख कर गया।
क्योंकि जिस पार्क में वो बेचती है अपने बच्चे को, उस पार्क के अंदर चारों ओर के जो मकान है, वहाँ मकान के जो बच्चे आते हैं वो लोग गालियाँ बोलते हैं, उनके घरों में गाली बोली जाती है, मेरा बच्चा भी वहाँ से सीख करके आ गया। अब बहू को मैं कहती हूँ उस पार्क में मत भेज, किसी भेजने ही तो किसी दूसरे पार्क में ले जा अपने बच्चे को, तो बोलती है दूसरे पार्क में ले जाने के लिए चल के इतना जाएगा कौन, ये पार्क तो सामने। छोटा बच्चा एक बार गाली देना सीख गया, अभी तो उसको पता ही नहीं ना कि गाली का मीनिंग क्या है, लेकिन उसके चारों ओर के फ्रेंड्स बोलते हैं, वो भी बोल रहा है। तो गवेश ना करो कि आपका बेटा कहाँ किनके साथ खेल रहा है, किनके साथ पढ़ रहा है, क्योंकि वहां से वो जो चीजें ले आएगा ना, उसके बाद में उसको निकालना बड़ा आसान नहीं होगा। इसीलिए पहले जांच पड़ताल करनी जिंदगी के हर मोड़ पर जरूरी है। ये जीने की कला सिखाती है पांच समिति और तीन गुप्ति, कि हमें हर चीज को ग्रहण करने से पूर्व सोचना, फिर ग्रहण करना तो है, तो ग्रहण किसको करना और कैसे करना ये सेकंड सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट है ग्रहण करने से पहले खोज लेना किसका उत्पादन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। चाहे विचार भी आया दिमाग में तो सोचो ये विचार कहाँ से आया। जनरली हमें से कोई नहीं सोचता, हम सारे लोग दुखों के विचारों में जीते हैं, परेशानियों के विचारों में जीते हैं, टेंशन के विचारों में जीते हैं। थोड़ा सा सोचो कि आपके मन में किसी के प्रति दुश्मनी पैदा हुई, किसी के प्रति द्वेष पैदा हुआ, किसी के प्रति शिकायत पैदा हुई, किसी के प्रति गलत धारणाएं पैदा हुई, बल्कि कई साधु महात्माओं के प्रति गलत धारणाएं पैदा हो गई, तो ये सारे विचार कहाँ से आए, उसका उत्पादक कौन था। कोई कह रहा है सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया भी था तो जरा सोचो कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें आ रही है और कई चीजें बिल्कुल फेक है, और जो बिल्कुल फेक है हम उसका विचार अपने दिमाग में क्यों स्थान दे रहे हैं, वहां क्यों दिमाग लगा भी रहे हैं। सोशल मीडिया आपके पास आज सब कुछ चीजें अवेलेबल है, लेकिन हमें कौन सा प्रोग्राम को प्ले करना है, रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में होना ना, और नहीं तो हम सबका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि जो इसको जहां घुमाना चाहे वहां घुमाए, मीडिया जहां ले जाना चाहे वहां ले जाए। और मीडिया इतनी गजब की चीज है, कम से कम हमारे इंडिया का मीडिया तो, कि इसको जहां पैसा मिलता है वो चीज उछल जाती है, और तब कितनी अच्छी चीजें हमारे यहाँ नहीं दिखाई जाती। पर आज भी इस वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज है, उनमें से चाइना भी एक ऐसी जगह है जहां पर कि नेगेटिव न्यूज छापी नहीं जाती, दिखलाई नहीं जाती। मैं नहीं कहती बिल्कुल ही ना दिखलाई जाए नेगेटिविटी, लेकिन दिखलाई नहीं जाती, वहां पर केवल पॉजिटिव चीजों को दिखलाया जाता है। और हमारे यहां पे पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा, कहीं भी चले जाओ। और तब हम गवेषणा भी करने जाते हैं तो हमारे सामने इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो पॉजिटिविटी को खोजने जाने वाला आदमी नेगेटिविटी से पहले इतना प्रभावित हो चुका होता है कि पॉजिटिव मार्क पे कभी आ ही नहीं पाता। तो यहां जांच पड़ताल करनी जरूरी है कि बहुत सारे प्रोग्राम है, मुझे कौन से प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होना है, बहुत प्रकृति के लोग है, मुझे कौन से प्रकृति के लोगों के साथ कनेक्ट होता है, कनेक्ट होना है। मेरी जिंदगी में कितने भी तरह के लोग आ सकते हैं, लेकिन मुझे किन तरह के लोगों के साथ ही अपनी मित्रता रखनी है, बाकी लोगों के साथ नहीं रखनी। जो लोगों को बोलने का सेंस नहीं है उनके साथ दोस्ती करके क्या करोगे, आज वो किसी दूसरे की उड़ा रहे हैं आपके साथ बैठ करके, कल को वो आपकी उड़ा रहे होंगे किसी दूसरे के साथ बैठ करके, और वो आज दूसरों के सीक्रेट्स आपके साथ बैठ करके खोल रहे हैं, साझा कर रहे हैं, कल आपके सीक्रेट किसी और के साथ खोल रहे होंगे। आप सोचो कि हम लोगों को किसके साथ जुड़ना किसके साथ नहीं जुड़ना, लेकिन गलत चुनाव कर लेते हैं, फिर जब गलत परिणाम आते हैं तब हम कहते हैं कर्मों का दोष है। जी मैं क्या करती, मेरे कर्मों में यही लिखा हुआ था। वो जो कर्म था वो क्या था पता है, वो कर्म था गलत का चुनाव। और क्यों किया गया था, क्योंकि इजीली वो चीजें मिल रही थी और कहीं ना कहीं हमें भी निंदा चुगली में रस आ रहा था, और निंदा चुगली में हमें रस आ रहा था इसलिए जो निंदा चुगली करने वाले थे उनके साथ हम घंटों घंटों गपशप करते थे, और थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो तुम्हारे पास बैठ करके दूसरों की निंदा चुगली करते करते तुमसे भी पॉइंट्स इकट्ठा करके ले गया, अब तुम्हारे पॉइंट्स की निंदा चुगली कहीं और बैठ के कर रहा है।
इसलिए गवेषणेशना ग्रहण करने से पहले की सावधानियां, ग्रहण करने से पहले की सावधानियां हर हाल में बरतनी है, चाहे बिजनेस क्यों ना कर रहे हो। एक आदमी को किसी ने आकर के ऑफर किया कि अरे सस्ते के अंदर ये टीवी खरीद लो, सस्ते के अंदर ये गाड़ी दे रहे, मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली, ले लो आप। आदमी ने सस्ते के लोभ में आकर के वो टीवी और वो गाड़ी खरीद ली। दो दिन बाद पुलिस पहुंच गई उनके घर पे, बोला ये चुराई हुई गाड़ी थी, तुम्हारे यहाँ पे मिली है, ये चुराया हुआ सामान था तुम्हारे यहाँ मिला। वो बोले भाई हमने तो नहीं चुराया, हमने तो खरीदा है। कि किससे खरीदा? कि जिससे खरीदा था वो तो अपना नाम पता कुछ देके ही नहीं गया, वो तो सामान बेच गया और कम भाव में मिल रही थी इसने हमने ले लिया। अब क्या पुलिस आपको छोड़ देगी? और ऐसे तो वैसे ही नहीं छोड़ने वाली बिना कुछ खाए पिए तो वो सस्ते के चक्कर में कितना आपको खामियां जब भुगतना पड़ा और फिर पछताओगे, कहोगे मेरा दिमाग लगाना चाहिए था, जो चीज़ मार्केट में इतने में आ ही नहीं सकती मैं उतने के लालच में आ गया। तो कई बार क्या होता है, हम सस्ते के लालच में, मुफ्त के लालच में कौन सा सामान घर में ले आते हैं। बुजुर्ग लोग कहते थे कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। ये सस्ते के चक्कर में आदमी को बार बार रोना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लालच बुरी बला। उस लालच के चक्कर में हम ऐसी चीज़ें ग्रहण करके ले आते हैं कई बार उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। एक घर में हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो घर में बहू आई और 12 नाइफ, आप सब्जी सुधारने के लिए चाकू काम में लेते हो ना, वो 12 चाकू घर में ला के रख दिए। तो उसकी सास ने पूछा अरे 12 क्यों लाई, एक की ज़रूरत थी, माँ जी सस्ते में मिल रहा था, सस्ता ऑफर था, 12 कभी न कभी तो काम आएंगे। अब 12 जिंदगी भर में कब काम आएंगे और तब तक पड़े पड़े किसको क्या खराबी हो जाएगी, लेकिन सस्ता। तो ग्रहण करने से पहले गवेषणा करना जरूरी है कि नहीं है, वो पड़ी हुई चीज़ें क्या करेगी, बाद तक जब काम आने का समय आएगा तब तक चीज़ें बिगड़ चुकी होगी और पैसा वेस्ट हो चुका होगा। और फिर भी उसने स्थान भी रोका, पैसा भी रोका और अपना निगेटिव इफेक्ट भी देके चली गई, क्या हुआ। तो इसीलिए घर से लेकर हर एक फील्ड पर आप देखो ये गवेषणा कितनी काम की है। बातें बड़ी छोटी छोटी लगती है लेकिन छोटी छोटी बातों से कितनी चीजें बिगड़ती और बनती है। इसीलिए माइन्यूट पॉइंट्स पे भी हमें इतना ही सजग रहने की आवश्यकता है कि हम ग्रहण करने से पहले हर चीज की शोध कर ले, जांच पड़ताल कर ले और फिर ग्रहण करने में तब कैसे ग्रहण करना, ग्रहण करना ही है तो उसकी क्या विधि है, वो विधि की चर्चा हम फिर आने वाले दिनों में करेंगे। आज इतना ही। पृथ्वी